मैम, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुजोक थेरेपी है क्या, क्योंकि लोग जानते हैं इसे, काफी प्रेवलेंट हो भी रही है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते हैं इसे कि ये थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये कैसे ओरिजिनेट हुई और क्या मतलब है इस थेरेपी का? सुष्मिता, ये सुजोक थेरेपी है जो फाउंडर प्रोफेसर पार्क जेवू ने की थी, जो एक कोरियन थे। तो इन्होंने कई देशों से विदेशों से लेकर के, जैसे इजिप्ट है, चाइना है, इंडिया है, यहाँ से लेकर के इसको किया है। माइक्रो एक्यूपंचर के थ्रू इन्होंने सुजोक थेरेपी का रिसर्च किया है। ये रिसर्च इन्होंने, ये खुद तो कोरियन थे पर मॉस्को में किया इसका रिसर्च करके, और पूरा तरह प्रचारण किया सबके इधर इसका थेरेपी का। और ये हाथ और पाँव में, जैसे हम बोले तो हाथ और पाँव में के थ्रू इस थेरेपी में इलाज होता है। इसको देखा जाए तो बोलते हैं रिमोट कंट्रोल ऑफ द बॉडी, हैंड इज़ द रिमोट कंट्रोल ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से इसमें हम इलाज करते हैं। तो सब सारे अंगों के जो पॉइंट्स है और सारे अंगों के जो कंट्रोल है अपने हाथों में और पाँव में है। तो ये मीनिंग क्या है? सो मतलब हैंड एंड जोक मतलब फीट। जी, ओके ओके। तो इस तरह से हाथ और पाँव में हम इसका इलाज करते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका प्रोसेस क्या रहता है? इसमें क्या एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर जैसा ही रहता है या फिर उससे अलग रहता है ये प्रोसेस? कुछ कुछ तो सिमिलर है, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने माइक्रो एक्यूपंचर को जैसे साथ में बाकी थेरेपी के साथ में मिला करके इस पर रिसर्च की है। तो प्रेशर पॉइंट्स तो रहते हैं पर ये हाथों पाँव में रहते हैं। जी, इसके प्रेशर पॉइंट्स सभी अंगों का कनेक्शन हमारा जैसे है हाथों पाँव से होता है, तो हम उसी पर इलाज करते हैं इसका। तो इसका इलाज करने की पद्धतियाँ अलग अलग है। जैसे बीज है हमारे जो सीड्स बोलते हैं, तो सीड थेरेपी होती है, मैग्नेट थेरेपी है, कलर थेरेपी है और नीडल्स है। तो हम इस तरह से करते हैं और बहुत ही सिंपल तरीका है। सुजोक इज़ द सिंपलेस्ट। मैम, प्रोसीजर की आपने बात की, जैसा कि आपने बताया कि हैंड्स और आपके जो पैर हैं उनके ज़रिए किया जाता है और बहुत ही सिंपल तरीका होता है, लेकिन दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर में शामिल होता है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बारे में। तो हमारा एक टूल होता है, प्रोब बोलते हैं जिसको। तो वो प्रोब के थ्रू हम प्रेशर पॉइंट ढूंढते हैं। जैसे अगर आज किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल, तो ये लंग्स के पॉइंट है इधर में, तो हम वो प्रोब से हम प्रेस करते हैं। जो मेन सबसे पेनफुल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द है, वो एक्यूरेट पॉइंट होता है उसका। तो हम वहाँ पर कोई भी जैसे है सीड बोले तो हम जैसे मूंग का दाना लिया है हमने या काली मिर्च ली है, तो एक मन में उत्साह आता है कि मूंग का दाना छोटा सा जिसे हम साधारण समझते हैं वो कैसे इलाज कर सकता है। तो वो बहुत बड़ा एक है कि छोटे से मूंग के दाने से एक पूरा पेड़ आ जाता है जब, हाँ तो ये तो इलाज है। तो इलाज बहुत अच्छे से हो जाता है। मूंग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, आपके ग्रीन कलर है और उसमें एनर्जी कितनी है, तो हर कलर की भी और इन सीड्स की भी एनर्जीज बहुत यूज़ होती है इसमें, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक है, कलर का कैरेक्टरिस्टिक है जैसे। तो आपके अंदर में जो एनर्जी मिसिंग है हम उसको हम वहाँ पे वो उसी हिसाब से सीड को एप्लीकेशन करते हैं, मतलब सीड को उधर लगा देते हैं। जैसे काली मिर्च है, वो दोनों में काम करती है, कोल्ड में भी करती है और गर्म में भी करती है। तो हमें पहचानना होता है कि वो क्या चीज़ है, तो उस हिसाब से हम उसको वहाँ पे लगा देते हैं। तो ये तो रहा सीड का। तो इसी तरह से कई सारे सीड है हमारा किचन, देखा जाए तो हमारे रसोई घर में बहुत सारी चीज़ें हैं। अजवाइन है, अजवाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीड है वो काम आते हैं इसमें। बट एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं फोकस करवाना चाहूँगी इसमें, कि एक तो सीड कोई भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, हेल्दी सीड होने चाहिए, कलर भी उसका मेंटेन रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोटिंग कर दी और कलर कर दिया, वो काम नहीं करे कोई भी, और हेल्दी होना चाहिए सीड, ठीक है। तो ये और कोई भी पॉइजनस नहीं होना चाहिए, ये हमें मालूम होना चाहिए इस चीज़ का, क्योंकि वो पूरा काम करती है उसी के ऊपर, एनर्जी देती है। अगर पॉइजनस हुआ तो दूसरा इफेक्ट हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये चीज़ है। और मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो हम सभी चीज़ों से जो शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनाइजेशन जो ख़त्म हो जाता है एनर्जीज़ का, ऊर्जाओं का हमारे, हाँ जो डिसबैलेंस होता है उसको बैलेंस करते हैं हम उस तरह से। जैसा कि आपने कहा कि सुजोक थेरेपी में आप अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, सीड्स का इस्तेमाल, मैग्नेट का इस्तेमाल, साथ ही कलर्स का इस्तेमाल, तो ये बहुत ही सुनने में भी आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे कलर्स के जरिए या कलर थेरेपी के जरिए बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो कलर थेरेपी अपनी यूवी किरण जो सूर्य से आती है इंद्रधनुष में जैसे है, तो उसकी एनर्जीज होती है, तो हर कलर की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो
तो उसके हिसाब से हम वो काम करती है. तो यूवी लाइट से मिलकर के कलर थेरेपी काम करती है उसके ऊपर में. अच्छा अच्छा, तो इसमें कौन कौन से कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं? हमें सभी रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे तो रेड है, लाल रंग है, हरा रंग है, भूरा रंग है, पीला है, नीला है और काला है. तो ये सभी रंग हम इस्तेमाल करते हैं उसमें. आपको अगर ध्यान होगा तो पहले के टाइम पे चोट लग जाती थी तो वो नीले रंग की दवाई लगाते थे, उसके ऊपर लाल रंग की दवाई लगाते थे. तो हर पे देखिए आप, दो तरह के हम इस्तेमाल कर रहे थे उधर, कभी नीले रंग की लगाते थे, कभी लाल रंग की. तो वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ही वो इस्तेमाल करते थे. ऐसी बहुत सी लाइलाज बीमारियों का इलाज करने का दावा इस थेरेपी के ज़रिए किया जाता है. कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे आप इनका इलाज करती हैं इस थेरेपी के ज़रिए? कैसे पेशेंट्स आते हैं जिनका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स उनकी होती हैं इस थेरेपी के ज़रिए उसे दूर करने की कोशिश की जाती है? तो इसमें देखिए, कॉमन कफ कोल्ड से लेकर के कैंसर तक के पेशेंट्स आते हैं. तो अभी ये बिना दवाइयों की थेरेपी है, ठीक है, जहाँ हम कोई भी तब प्रकार का केमिकल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी दवाइयों के खिलाफ नहीं हैं हम. हाँ, बट हाँ, जो रासायनिक दवाइयाँ हैं शरीर के अंगों को जो गलत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो उससे बचने के लिए भी है ये चीज़ें. जैसे कैंसर बोला जाए तो कैंसर का, मैंने खुद ने मेरे ससुर जी को कैंसर था, कीमोथेरेपी दे रहे हैं हम, साथ में सुजोक का भी इलाज चल रहा था उनका, तो उससे उनको कीमो का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ. तो ये वो ब्लेसिंग बोलूँगी मैं इस चीज़ से, नहीं तो आज इससे कीमो के साइड इफ़ेक्ट से ही आदमी परेशान हो जाता है. तो इस तरह से कई चीज़ें हैं. और जो नी रिप्लेसमेंट के केसेस हैं वो काफ़ी किए हैं मैंने, जैसे नॉन नी रिप्लेसमेंट के जो केसेस थे वो रिवर्स हुए हैं इसमें. किडनी स्टोन है जैसे, ठीक है, कई जन बोलते हैं कि आप दावा हम किसी भी चीज़ का कोई दावा नहीं कर सकते इस चीज़ में, ये शरीर है तो हमें इसका कुछ भी पता नहीं है. हाँ, बट हम बोलते हैं, गारंटी तो आज किसी भी चीज़ की नहीं है, बट हम ये ज़रूर बोलते हैं कि हाँ, हम हेल्प जरूर करते हैं इन चीज़ों को आपको बाहर निकलने के लिए. और ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि कीमोथेरेपी या फिर ऐसे मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अगर उनको दूर कर पाने में ये सक्षम है तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में. नी रिप्लेसमेंट भी एक बड़ी समस्या लोगों के बीच होती है, क्योंकि कई बार नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद भी उन्हें समस्या वैसी ही रहती है. तो जो पिल्स लेते हैं उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वो इस एज में होते हैं, इस स्टेज पर होते हैं कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा उन्हें खानी ही पड़ती हैं मजबूरी में, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. तो कौन कौन सी उनकी जो बीमारियाँ हैं सीनियर सिटीजन्स रिलेटेड जो आप ट्रीट करते हैं इस थेरेपी के ज़रिए? तो इस थेरेपी के जरिए जैसे हम हाइपरटेंशन है जो बोलते हैं, ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, आजकल लो ब्लड प्रेशर भी काफ़ी सोते हुए आते हैं सीनियर सिटीजन्स में, तो हम इनके ऊपर में बताते हैं. देखिए, ये सब लाइफस्टाइल अडेप्टेड प्रॉब्लम्स है, हमारी लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है ये सब चीज़ें. तो लाइफस्टाइल एक तो हम सुधारने का तरीका बताते हैं, टाइम से सोना, खाना पीना, ये सब चीज़ें हैं. तो ये कैसे हमारे अंदर आई ये प्रॉब्लम्स, पहले तो उनको ये चीज़ समझाते हैं, ठीक है, फिर उसके ऊपर कैसे काम करना है वो बताते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी तो इससे समझ ले करके. तो वो एक तो हाइपरटेंशन हो गया, एक आपको डायबिटीज़ हो गई है, ये सब चीज़ें हैं. आज खाली नी रिप्लेसमेंट की बात की जाए, जैसे जोड़ों का दर्द है तो खाली नी पे नहीं है वो, एंकल का भी होता है, किसी को एल्बो में है, रिस्ट पॉइंट्स है, तो सारे जॉइंट्स के भी हो जाते हैं, अर्थराइटिस है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स है, तो सभी पे काम करते हैं. तो इसमें हम एक आपको लाइफस्टाइल पूरी सिखा देते हैं इस चीज़ के ज़रिए कि आपको किस तरह से करना है. हम होमवर्क भी देते हैं, क्योंकि हमारे थेरेपी में करीब 8 से 10 सिटिंग तो लगती है, तो हम होमवर्क देते हैं. तो इसको जैसे बोलते हैं कि फेथ हमारे थेरेपी में होना चाहिए, कि हाँ, तो हमको ये है कि ये फेथफुल भी होना चाहिए. तो दोनों चीज़ें साथ में ही काम करती है. 50% हम काम करते हैं तो 50% पेशेंट का भी काम होता है कि वो फेथफुल होकर के इस जो घर में हम होमवर्क देते हैं वो पूरा करें अपना. होमवर्क का मतलब हुआ जो हम बोलते हैं कि इस तरह से आपको ये चीज़ आपको एप्लीकेशन करनी है. तो प्रिसाइज वाली चीज़ें तो उनको नहीं बताते, कॉमन चीज़ें हैं जो कि वो उनको बोलते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग है, आपको इस तरह से खाना है, थोड़ा बहुत इस तरह से बता देते हैं लाइफस्टाइल का उनको. तो वो चीज़ें हैं. आज जैसे कई केसेस आते हैं हाइपरटेंशन के, बिगड़े हुए केसेस भी आते हैं, बेल्स पाल्सली हो जाता है जैसे, हाँ, ट्राइजिमिनल न्यूरलजिया होता है हाइपरटेंशन के से, ये नस जो फट जाती है ज़्यादा एक्सरसाइज ये होने से, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, तो पैरालिसिस होता है. तो इन पे हम ये थेरेपीज बहुत अच्छे से काम करती है.
और पूरा करें तो अगर बोले हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ तो आप इसके साथ बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, जिससे आपका दवाई का डोज कम हो जाता है जी।